ये पहले उतरा हुआ है प्लास्टर, पहले बॉन्डिंग उतरी हुई है, यहाँ पे बॉन्डिंग लगाएंगे, खोलेंगे, खोलने के बाद बीज को उठाएंगे। सो गाइज मैं तकरीबन गांव वाली जगह पे पहुंच चुका हूँ, बस बच्चों को बिठा रही, लगता है बच्चों के स्कूल का ट्रिप जा रहा है यार। ये मस्जिद है हमारी इधर, और ये यहाँ पे हम नेट प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की, ये वो रोड है जहाँ पे हमारा काम है आज। सो गाइज हम लोग काम पे पहुंच आए, आज लड़कों को नहीं लाए क्योंकि काम थोड़ा था, एक दीवार प्लास्टर करनी है और एक डोर लगानी है। अभी मैं उस जगह पे पहुंचा हूँ जहाँ पे काम है। ये कुछ सीन है यार घर के बाहर के, बड़ा अच्छा पार्क है ये, वुल्वरहैम्पटन में है। अभी चलता हूँ अंदर, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, और कपड़े चेंज करने के बाद काम शुरू करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ फिर कि आज का हमारा यहाँ पर काम क्या है। सो गाइज ये वाला काम है आज हमने करना है, ये दीवार स्किम करनी है और ये वाला पैच स्किम करना है सारा। यहाँ पे थोड़ी पहले ना बॉन्डिंग लगेगी, पहले उतरा हुआ प्लास्टर, पहले बॉन्डिंग उतरी हुई, यहाँ पे बॉन्डिंग लगाएंगे और उसके बाद ही सारी को स्किम करेंगे। ये चिमनी का जो ब्रेस्ट वॉल है इसको हमने करना है जो स्किम आज, ठीक है जी। और ये वाला जो डोर है इसी रूम का, इसको हमने चेंज करना है, नया लगाना है। सो मैं और रिजवान आ चुके हैं, लड़के आज नहीं आए क्योंकि दो बंदी का है काम, दो बंदू का था, लेकिन हम चाहते थे वो आए, लेकिन उनने कहा कि भाई हम नहीं चलेंगे आज। सो हम दोनों अकेले आ गए, अभी तकरीबन देखते हैं कि दो तीन चार घंटों में ये फिनिश करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो गाइज ये वाली जो दीवार आप देख रहे हैं इसको आज हमने करना है स्किम, वो वाला पैच आप देख रहे हैं उसको करना है हमने पहले बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग पहले वाली उतरी हुई है, पुरानी हो चुकी थी, उतरी हुई है, उसको पैच लगा के फिर हमने इससे सारे को स्किम करना है, और एक डोर इस रूम का लगाना है। आज का काम यही है, एंड तक देखें इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, और आपको फिर इस जॉब में ये भी बताऊंगा कि इस जॉब को कितना टाइम हमारा लगेगा, और टाइम लगने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा एंड पे कि इसकी हमने टोटल जो है वो चार्ज कितना किया है कस्टमर को, ठीक है जी। और सो गाइज मैंने जो है वो पीवीए इसको कर दिया सारे एरिए को, ये आप देख भी सकते हैं गीला हो गया। रिजवान साहब जो है वो बॉन्डिंग कर रहे हैं कुछ पैचेस थे ये वाले, और अभी थोड़ी देर के बाद फिर साथ ही हम स्किमिंग बनाएंगे और उसके बाद इसको स्किम शुरू करेंगे। स्किमिंग के बाद फिर हमने जो है वो वाला जो डोर है वो नया लगाना है, ठीक है जी। सो मेक श्योर आप लोगों ने एंड तक इसको लाजमी देखना है, तकरीबन 5 या 6 घंटों में ये काम फिनिश हो जाए, दोनों काम, डोर और दीवार, और उसके बाद एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टोटल कास्ट कितनी आई है। ये यार बाहर का व्यू चेक करें जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, रिजवान साहब गाड़ी से निकालने के लिए कटर और कुछ नेल्स, क्योंकि हमने जो है वो ये कॉर्नर बीड्स लगानी है, और उसके बाद कॉर्नर बीड्स लगा के फिर हमने पानी हम ले आए स्किमिंग बना के, फिर इस सारे एरिया को हमने स्किम करना है। चांसेस हैं कि यहाँ पे दो कोट करने पड़ेंगे अच्छा नाइस फिनिश देने के लिए, क्योंकि वॉल काफ़ी पुराना प्लास्टर है ऑलरेडी इस पर। सो अभी देखते हैं दो कोट करें इसको, फिर उसके बाद हमने डोर चेंज करना है, ठीक है जी। कारपेट ये नहीं डालेंगे इनके, आई थिंक डैड का रूम है, जो अभी पाकिस्तान गए हुए हैं, डैड को सरप्राइज देना चाहते हैं आई थिंक ये लोग, उनका रूम नया बना के। तो ये जनाब बीट कटर आ चुका है हमारे पास, और इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद बीट को उठाएंगे, और बीट को उठाने के बाद इधर रखेंगे इधर, अभी देखते हैं एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से बीट, ये हो गया जी। इसको मैंने इधर निशान लगाया हुआ, यहाँ से काट लेते हैं इसको, ये देखें ठीक है, इसको फेरते हैं इधर, फिर यहाँ से इसको काटेंगे, ये जनाब काट दिया, अभी इसको जो है वो थोड़ा स्नैप करेंगे ऐसे, और फिर इसको करेंगे जी फिट। रिजवान साहब बना रहे हैं अपने टिक टॉक आए थे, इसको फिर इधर लगाएंगे, ये देखो एक हाथ से ना काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये देखें फिट टू साइज हो गया। अब रिजवान साहब इसको लगाएंगे कीलें, मैं अगली काटता हूँ, तो उसी की लाओ मैं अगली कटना, ठीक है जी। इधर रख देते हैं इसको, और निशान इसका ढूंढते हैं कि किधर है, ये है इसका निशान इधर, यहाँ पे रख के यहाँ से काटेंगे ये, यहाँ से काटते हैं ये, और ये फिर इसको यहाँ से तोड़ देंगे, ठीक है जी। दोनों बीटें कट चुकी हैं, रिजवान साहब उसको कीलें लगा रहे हैं,
और इसको भी रख देते हैं रिजवान साहब फिट करने के, उसके बाद हम स्कीमिंग बनाते हैं और स्कीम बनाने के बाद शुरू करते हैं काम। सो थोड़ा स्लो स्लो हो रहा है काम क्योंकि साथ साथ ब्लॉग भी बना रहे हैं, क्योंकि आज दूसरे लड़के नहीं आए दोनों, तो ब्लॉग भी खुद ही बनाना पड़ रहा है और काम भी खुद ही करना पड़ रहा है। काम इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा वीडियोस की वजह से। सो गाइस स्कीमिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अभी हम इसको दीवार के साथ लगाने लगे और उसके बाद फिर फिनिशिंग कोट साथ साथ आपके शेयर करेंगे। सो गाइस स्कीमिंग हो चुकी है रेडी, रिजवान साहब भी हो चुके हैं रेडी स्कीमिंग को लिमिटिंग के लिए, ठीक मिक्स है साहब। अभी ये इसको करेंगे फुल दीवार को, और अभी जो है ये फैसला हुआ कि इस ये वाला जो पैच आपको नजर आ रहा है ये सारा इधर से यहाँ से सारा वहाँ तक होगा, ठीक है जी। अभी आपके साथ थोड़ा क्लिप शेयर करेंगे लंबाई का, उसके बाद फिर फिनिश का। सीधी भी है ना, आज मैं यार मजदूरी भी खुद ही कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों लड़के दूसरे जो है वो छुट्टी पे हैं, टन्नी मार गए क्योंकि उन्हें जब हमने बताया कि काम 3 घंटों का, तो उन्होंने कहा यार 3 घंटों के लिए कौन गंदे कपड़े पहने। सो यहाँ पे काम थोड़ा लंबा है, 3 घंटों से थोड़ा ज्यादा है, सो करना पड़ता है कभी कभी, और सरप्राइज मिस कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा सरप्राइज, मुझे खुद उनकी जगह मुझे दुख लगा हुआ यार, जब रिजवान ने मुझे बताया ना तो मैंने फिर उनको दोबारा कॉल किया कि यार आप टैक्सी करके आ जाओ, यहाँ पे दूसरा मौका भी दिया है लेकिन उन्होंने नहीं ग्रैब किया। लेकिन यार उनकी किस्मत ना बहुत खराब है, जुनैद साहब बिलाल साहब बहुत खराब किस्मत है आपकी यार। अभी आपको बताएगा रिजवान तो आप कहेंगे नहीं यार आप मजाक कर रहे हैं, नहीं यार इसने मुझे तो बताया तो मुझे बहुत दुख लगा, इसीलिए मैंने दोबारा जुनैद को कॉल किया कि यार आ जाए ट्रेन पे किसी तरह। फिर जुनैद ने कहा नहीं जी वो हम इस तरह से, मैंने कहा चलो ठीक है यार। तो ये गाइस सिंगल कोट हो चुकी हैं ये दोनों वाली, ये दोनों साइड हैं, और उसको सिंगल कोट करेंगे फिर इनको डबल करेंगे, क्योंकि जो अगर नाइस फिनिश आप चाहते हैं स्कीमिंग को तो इसको आपने हमेशा डबल कोट करना है, ठीक है, विच इज़ जो रिकमेंडेड भी है स्कीमिंग बैग पे अगर आप पढ़ें तो रिकमेंडेड भी है 2 कोट, लेकिन ज़्यादा तो स्कीमर्स होते हैं जो 1 कोट में जान चलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा बचत हो, ठीक है। सो मटेरियल वैसे भी मालकूक है भाई, हमारा सिर्फ टाइम लगना है लेकिन ये जॉब अच्छी हो जानी है। काम ऐसा करें कि जब आप छोड़ के जाएं तो बंदा जो है पीछे वो याद करे अच्छे अल्फाज में आपको। हाँ जी हमारा रेगुलर कस्टमर है ये, ऐसा नहीं है कि रास्ते में चलते हुए आया, रेगुलर कस्टमर है। सो जो भी हो रेगुलर कस्टमर हो या ना रेगुलर हो आपने काम अच्छा करना है, बस कहने का मकसद है कि हाँ जी वो बुलाते रेगुलर इसलिए कि आप अच्छा काम करते हैं। सो गाइस ये देखें ये वाला डबल कोड हो चुका है, वो भी सिंगल ही है, इसके साथ उसको भी डबल कराएंगे, ठीक है जी, क्योंकि स्कीमिंग हो चुकी है ख़त्म, भाई को बोझा है कि एक और थोड़ा ले आए। सो ये टूल है स्पीड फिक्स ऑक्स स्पीड स्कीम, स्पीड स्कीम रिजवान साहब वन ऑफ द बेस्ट टूल है प्लास्टर्स के लिए, जो लोग तो यूज़ कर रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग अभी भी गरमाले के साथ फिनिश करने की कोशिश करते हैं अपनी जान मारते हैं मुश्किल में डालते हैं खुद को, वो ये एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें जो लोग अभी स्किमिंग करते हैं लेकिन ये उन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया। अच्छा ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है जो पहले यूज़ करते हैं, सो अगर आप पहले यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो हमने अभी ये तकरीबन 2 महीना इसे यूज़ करते हुए, लेकिन इससे इतनी ज़्यादा आसान जॉब और नीट जॉब होती है देखना आप कि मैं हैरान हूँ यार कि हमने इतने साल ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सो मेक श्योर करें आप लोग, अगर आप लोग प्लास्टर करते हैं जॉब्स आती हैं तो यही साइज़ ले लें जो हमारे पास है, और तकरीबन ये 60 के अराउंड कितने का मिलना है,
65 के अराउंड मिला है। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो के नीचे, और कोशिश करूंगा लिंक देने का वीडियो के नीचे, वहां से भी आप जाके बाय कर सकते हैं। अमेजोन पे हो सकता है और सस्ता हो, ठीक है जी। सो फिनिश आप देखना, अभी मैं चला के भी आपको दिखाता हूँ कि कितना आसान है। पता नहीं तो गाइस देखिए कितना आसान है ये, इतना आसान है कि आई थिंक नया बंदा भी जो होगा ना वो तो बहुत ज्यादा खुश होगा। सो वीडियो को शेयर करें जितने भी आपके कोई बिल्डर दोस्त वगैरह हैं यूके में जो ये यूज नहीं कर रहे, आपको पता है कि यूज नहीं कर रहे, वो ये यूज करें, यकीन मैंने दुआएं देंगे। जो यूज कर रहे हैं ना वो अच्छे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कहना कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं और अगर आपने किसी और को बताया नहीं तो मतलब आप सेल्फिश हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट एक दफा जरूर ट्राई करें। इसमें तकरीबन 4-5 साइजेस हैं, इसके साथ वो स्टिक भी आती है, आप सीलिंग कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको सीलिंग पे सीलिंग करने के लिए लैडर पर नहीं चढ़ना पड़ता, नीचे से आप उसको इतना जबरदस्त फिनिश कर सकते हैं कि आप एक दफा यूज करें ना यार, तो आप वापस आके वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करेंगे कि अच्छी चीज आपने बताई। सो गाइज अभी ना प्लास्टर हमारा हो चुका मुकम्मल, स्किमिंग मुकम्मल हो चुकी है और अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं। एक तो हमने डोर लाना है, नया डोर जो रिप्लेस करना था, और दूसरा हमने खाना है खाना। तो ऑफिशियली जा रहे हैं ब्रेक पर और तकरीबन आधा घंटा और लगेगा खाना खाने में और डोर लाने में, उसके बाद आएंगे वापस और आधा घंटा लगेगा तकरीबन डोर हैंग करने में और फिर हमारी जॉब हो जाएगी डन। सो वापस आके अंदर आपको दिखाता हूँ जो स्कीमिंग मुकम्मल की है, उसके बाद डोर जो हम फिट करेंगे वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे, और कंटिन्यू वॉचिंग व्लॉग। सो गाइस फाइनल स्कीमिंग हो चुकी है डन, और ये आप देख रहे हैं इधर से दोनों हो चुकी है, वो पूरी हमने फिर कर दी है, वो वाली ये वाला भी सारा तक एक ही हो जाए। स्कीमिंग हो चुकी है डन, डोर अभी हम ले आए, इधर डोर फिट करना है, आर्किट्रेव्स भी उतार के नहीं लगानी है और फिर यहाँ पे हमारी जॉब हो जानी है डन। सो आई गेस अभी रिजवान खाना लेने के लिए गया और आई गेस के हमें तकरीबन और अभी रिजवान खाना लेने के लिए गया हुआ है और आई गेस कि खाना खा के हमें तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा अब यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। अब देखते हैं कि कोई बैकलॉग में ना लग जाए और फिर एंड रिजल्ट आपको दिखाएंगे डोर फिट करके, फिर आपको ये भी बताएंगे कि आज ये सारा काम कितने में हुआ है। तो ये आर्किट्रेव उतारी है, बहुत कोई पुरानी लगी हुई है किसी पुराने दौर की, इसको रखते हैं इधर साइड पे, दूसरी साइड भी उतारेंगे आप।